हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आई लव माय डियर डॉटर। आज मैं आपके साथ क्लब फैक्ट्री का किचन टूल्स शेयर करने वाली हूँ। तो ये आप देख रहे हैं दो किचन टूल्स जो मैंने क्लब फैक्ट्री से परचेज़ किया है। ये मैंने 82 रुपीज़ में परचेज किया है। न्यू यूज़र के लिए ओनली 99 था और मैंने कूपन कोड अप्लाई करके विथ COD के साथ 82 रुपीज़ में परचेज़ किया है। दोनों का मैंने टोटल प्राइस 211 रुपीज़ दिया है, 211 रुपीज़ दिया है ओनली विथ COD के साथ। तो अभी देख रहे हैं किचन टूल्स। पहला है जिंजर गार्लिक ग्रेडिंग स्लाइसर किचन टूल्स ग्रीन कलर का, आप देख रहे हैं। ये काफ़ी छोटा सा है, मैंने इसे इतना छोटा एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर ये बहुत छोटा है। और ग्रेडिंग की बात की जाए तो जिंजर गार्लिक थोड़ा ये टाइट है, पर इससे अच्छा होता है। ये देखिए इसमें, लेकिन गार्लिक की छोटे छोटे पीसेस में जा पाएंगी, बड़ी पीसेस को डाल के करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। मैंने इसे यूज़ किया है, मैं जितने भी वीडियो बनाती हूँ सारे पहले यूज़ कर लेती हूँ, ताकि मैं इसके बारे में आपको ट्रुथ जितनी भी इसकी सच्चाई है जो भी इस प्रोडक्ट के बारे में, हर प्रोडक्ट के बारे में आपको बता सकूँ। तो आप ये देख रहे हैं, ये इसको ऐसे आप निकाल भी सकते हैं क्लीन करने के लिए। ये देखिए आप देख रहे हैं कितना छोटा सा है, मेरे हाथ में आ रहा है ये मेरा फिंगर, और ये यहाँ आप देख रहे हैं। ये काफ़ी हार्ड है, किचन के लिए अच्छा है, खासकर गार्लिक के लिए, क्योंकि जिंजर तो ऐसे ग्रेटर से ग्रेट हो जाता है, लेकिन ये काफ़ी थिक है, थिन वाला ग्रेटर नहीं है। आप देखिए काफ़ी थिक है, एक थिन ग्रेटर आता है, ये काफ़ी थिक ग्रेटर है। मैं इसे आपको यूज़ करके ऐसे नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि इसके लिए मुझे किचन में जाना पड़ेगा करने के लिए, और किचन में मैं कहीं अपने मोबाइल पर रख नहीं सकती हूँ ऐसे वीडियो बनाने के लिए। तो मैं इसे ऐसे ही बना रही हूँ, आप देख सकते हैं। इसको मैंने यूज़ कर चुका है कितनी बार, ग्रीन कलर का है ये, मुझे ओनली 82 रुपीज़ में मिला है, काफ़ी बेस्ट है। आइए देखते हैं दूसरा प्रोडक्ट, ये है दूसरा, तो इसके बारे में लिखा है टी सिलिकॉन जेल ऑयल ब्रश, स्मॉल है, ये भी काफ़ी स्मॉल है, मैंने इतना स्मॉल नहीं सोचा था, फिर भी काफ़ी बेटर है मुझे पराठा वराठा बनाने के लिए, ऐसे तेल ऑयल ब्रश करने के लिए, तवा पे लगाने के लिए ऐसे, तो ये काफ़ी अच्छा है। इसके ब्रश काफ़ी सॉफ्ट है, नॉट फॉरहेल, ये ऐसे रिमूव भी हो जाता है, ये आप देख रहे हैं। ये इसका हैंडल भी अच्छा है, ये ऑयल बेकिंग टूल ब्रश काफ़ी अच्छा है कि केक बेक करने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मैं तो इससे जनरली पराठा के लिए ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे ऑयल लगाने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, स्पून से लगाना हो या कॉटन से लगाना हो, ज़्यादातर लोग कॉटन से लगाते हैं, उससे हाथ हाथ जलने का डर रहता है, पर मैं इससे लगाती हूँ। मैंने इसे यूज़ किया, मैं इसे बहुत ही खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा ये प्रोडक्ट। तो आप भी बाय कर सकते हैं, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का डाल दूँगी। मैंने इसे परचेज किया 82 में, और इसका इस टाइम प्राइस है, इसका प्राइस आपका 153 है, और इसका प्राइस आपका कितना है, इसका प्राइस जो मैंने देखा नहीं, मैं डाल दूँगी उसमें, इसका प्राइस मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, या फिर मैं स्क्रीन पर डाल दूँगी, स्क्रीन पर मैं इसका प्राइस डालूँगी, आप देख सकते हैं, लिंक से परचेज कर सकते हैं, काफ़ी यूज़फुल है किचन के लिए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ओके बाय।